आपको मैं मेरे फादर की हालत दिखाती हूँ। ये तो होश नहीं है, सैचुरेशन 55 पे आए हैं। ये सिस्टर मैं मिली, मैंने इनको आके पकड़ा तो कहती है आप यहाँ कैसे आए हो। क्या भाई, वेरी गुड, बहुत बड़ी ऑक्सीजन है। दलिया का डब्बा था कि पापा शायद होश में आ जाए तो मैं उनको खिला पाऊँ थोड़ा बहुत। और मैंने उस नर्स से पूछा कि पापा ने सुबह से क्या खाया है। जो खाना था खा लिया है, वो मुझे नहीं पता है, वो जिसकी ड्यूटी थी उसने देख लिया है। मैंने कहा बताइए ना किसकी ड्यूटी थी, आपकी तो नहीं थी, लेकिन किसकी ड्यूटी थी। वो जिसकी ड्यूटी थी मैं बताती हूँ, मेरे पापा का खाना ऐसे ही साइड पर रखा हुआ था मॉर्निंग का। पापा ने एक दाना कुछ नहीं खाया था, पापा ने एक बूंद पानी नहीं पिया था। अगर आप मेरे पापा की हालत देखोगे तो क्या वो आपको लग रहा था कि उनके मुंह में एक बूंद पानी भी किसी ने डाला होगा? नहीं डाला। जब हमारे साथ कर रहे हैं ये आपको मालूम नहीं है, मेरे साथ जो हुआ ये मैं लोगों तक शेयर कर पाई। आप लोग ये मत सोचो कि सेलिब्रिटी थी तो देखो सेलिब्रिटी के साथ ऐसा हो गया तो हमारे साथ तो क्या ही होगा। जैसे आपकी आवाज है, कई लोग उठा पाए कई लोग नहीं उठा पाए, मैं उठाना चाहती हूँ और वो हर एक के लिए वो आवाज उठाना चाहती हूँ कि हमारे साथ गलत हो रहा है। मैं सारे डॉक्टर्स को गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं सारे स्टाफ को गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ हमारे बीच में ये जो इविल्स हैं उनका मैं पर्दाफाश जरूर करना चाहूंगी और करके रहूंगी। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने इस टाइम में हॉस्पिटल के अंदर का माहौल देखा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उसमें से 99.9% लोगों का यही कहना होगा जो हमारा कहना है। इतना शोरूम है क्योंकि ग्राउंड लेवल रिपोर्ट हम लोग देख के आ रहे हैं। और ये तो आपने एक छोटा सा वीडियो देखा है, जितने दिन वो एडमिट थे उतने दिन क्या क्या हुआ है, कैसे खून के आंसू हमें हॉस्पिटल ने रुलाया है, वो सब हम लोग अब इस केस में डालने जा रहे हैं जो कि हम लीगल नोटिस भेज चुके हैं जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल को। मेरे पापा चलते हुए इस हॉस्पिटल में गए हैं और उनकी बॉडी इस हॉस्पिटल से निकली है। संभावना को जितना रोना था वो रो चुकी है, अब वो बहुत स्ट्रांग हो गई है, अब वो इस चीज को छोड़ना नहीं चाहती है, हम दोनों नहीं छोड़ना चाहते हैं और हम इस चीज को स्ट्रांगली जितनी आगे तक ले जाके लड़ सकते हैं उतनी आगे तक लड़ेंगे। क्योंकि अब ये लीगल हो चुकी है बात, तो हमसे कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर वहाँ ये हुआ तो आपने ये क्यों नहीं किया, वो हुआ तो वो क्यों नहीं किया, उन सब बातों के जवाब हमारे पास हैं। लेकिन क्योंकि ये पॉइंट अब लीगल हो गया है तो हम हर चीज रिवील नहीं कर सकते क्योंकि उससे आपके केस पे असर पड़ता है। जो हॉस्पिटल है उन्हें बहुत सारे बहाने मिल जाते हैं तो हम किसी को कोई एक्सक्यूज नहीं देना चाहते थे। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स के जरिए पता, एक ब्लॉग जो लास्ट टू लास्ट मैंने बनाया था उसे मैंने आपको बताया भी था कि आज मैं बड़ा हैप्पी हूँ क्योंकि मेरे पापा बेटर हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। फिर अचानक हॉस्पिटल ने ऐसा क्या नेग्लिजेंस किया कि वो ऐसे धीरे धीरे नीचे जाते गए और विद इन वन डे वो चले गए। विद इन वन डे हमें एक दिन का भी टाइम नहीं मिला। जब मुझसे लास्ट मोमेंट पे डॉक्टर्स ने बात करी ना कि हम ये इलाज कर रहे हैं, अभी आपके फादर का जब ये लड़ाई हुई है आपके फादर का पूरा इलाज ही चेंज कर रहे हैं। इन्होंने कहा डॉक्टर्स ने कि हम आपके फादर का इलाज ही पूरा चेंज कर रहे हैं, मतलब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चेंज कर रहे हैं। और डॉक्टर, मेन डॉक्टर तो मुझे मिला ही नहीं, असिस्टेंट डॉक्टर मुझे बोलता है कि ओह ही गॉट कार्डियक अरेस्ट। तो मैं सामने खड़ी हुई, मेरे का हु गॉट कार्डियक अरेस्ट, कहते योर फादर ही वाज सो नॉर्मल, इतना नॉर्मल और इतना शुगर कोटेड था वो डॉक्टर। उसको ऑलरेडी मालूम था दैट माय फादर वाज गॉन। वो हमें झूठ बोल रहे थे कि हम आपके फादर को रिवाइव कर रहे हैं, आप वहां नहीं जा कर रहे हैं। वेयर इन ही दे न्यू कि मेरे फादर की डेथ हो चुकी है, हमें सब झूठ बोला गया। मेरे फादर के डेथ टाइमिंग जो बताया गया है हमें ये सब झूठ है। मेरे पापा पहले ही जा चुके थे क्योंकि मैं उनको छोड़ के नहीं जाना चाह रही थी कि ये हॉस्पिटल मेरे फादर को कुछ भी कर देंगे। आपको मालूम है लास्ट में मेरे को इतना डर बैठ गया था कि मैं अविनाश को बोल रही थी मैं इनको छोड़ के नहीं जाऊंगी, ये कुछ भी कर देंगे मेरे पीछे से। और इन्होंने मेरे फादर को मारा है। दिस इज अ मर्डर, ये नेग्लिजेंस भी नहीं है, ये मर्डर है। ये लिटरली लोगों का गला घोट दे रहे हैं, हमको मालूम नहीं ऑक्सीजन कब निकाल दे रहे हैं। मेरे फादर को जो ऑक्सीजन जा रहा था वो कौन सा निकल जा रहा था, वो जो वो बलून वाला ऑक्सीजन, वो तो सिर्फ पेशेंट्स को जब शिफ्ट कर रहे होते हैं इधर से उधर वार्ड में। एंड बाय द वे एक और चीज बता दूं लोगों को, अगर थोड़ी भी और कुछ कंफ्यूजन है, वो आईसीयू भी नहीं था। मेरे फादर को आईसीयू भी नहीं दिया हुआ था। उन्होंने कहा कि हमने इसको आईसीयू जैसा बना दिया है फिलहाल रूम को, लेकिन फादर की पूरी केयर होगी। एक बंदा अंदर नहीं जाता था पापा के लिए। आईसीयू वार्ड सामने वाला था, अगर आपने मेरे वीडियो में देखा होगा जहां पर मैं उस नर्स को ढूंढने जा रही थी, आईसीयू वार्ड वहां था, ये वाला आईसीयू वार्ड ही नहीं था। ये मेरे को कहते रहे आपके फादर को आईसीयू ट्रीटमेंट मिल रहा है, ये मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। हॉस्पिटल वाले आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। और यही चीजों का मैं पढ़ा लूं, मैं चुप से बैठूंगी। मैं उनमें से नहीं हूं कि मैं चुप बैठूं। मुझे आप लोगों का साथ चाहिए था, मुझे मिल गया है। मुझे मीडिया साथ चाहिए था, मुझे मिल गया है। अपने आप मिला है, मैंने कुछ नहीं किया उस चीज के लिए। और आप लोगों के लिए मैं
बहुत आप लोगों के सामने थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने मेरा इस चीज पे सपोर्ट किया। अब मुझे किसी चीज का डर नहीं है। मेरे पापा चले गए, जो मेरी जिंदगी की सबसे अजीज चीज थी, जो सबसे ज्यादा करीबी चीज थी मेरा जिंदगी में, सिर्फ और सिर्फ पापा थे, वो चले गए हैं। और पापा ने मुझे हमेशा एक चीज सिखाई थी कि अगर गलत हो तो सर झुका लेना, माफी मांग, लेकिन अगर तुम सही हो तो कभी डरना नहीं। कितने भी बड़े लोग हो, कितनी भी बड़ी चीज हो, डरना नहीं। और अब मैं डरूंगी नहीं। आपको मालूम है मेरी उनके साथ क्या हो रहा होगा, उनके साथ क्या हो रहा होगा? मैं अब उनकी आवाज बनूंगी, मैं हर उन लोगों की आवाज बनूंगी जिनके साथ गलत हो रहा है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सारे डॉक्टर्स गलत हैं, बट सारे डॉक्टर्स गॉड हैं, ये भी बात गलत है। सारी नर्सेस हमें अच्छा ट्रीट कर रही हैं, ये भी जो हमारे साथ हुआ है हम आपको सामने आकर बता रहे हैं। और अब मैं सब लोगों की आवाज बन के खड़ी हूँ, मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। जो गलत है मैं बताऊंगी, जितना गलत है मैं बताऊंगी। मैंने हमेशा सच बोलने का साथ दिया है, सच्चाई का साथ दिया है, और अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। और हॉस्पिटल में जब हमें जो मेरे पापा लेके सोते थे, मैं दिल्ली से ले आई, तो अभी ये तकिया मेरा हो गया, 12 वर्ष रह दिया है, लेकिन एक्चुअल कवर हमेशा यही रखूंगी मैं जो अंदर का पापा लेते थे, यही है। पापा की खुशबू भी है इसमें, पता है पापा का जो सर की खुशबू होती थी ना, जब तक इसमें आती है, सो दिस इज गुड टू बी विद मी। अब जब तक ये तकिया रहेगा तब तक मैं इसको रखूंगी प्यार से। मेरे पापा जो कि हमेशा मेरे पास है, हमेशा, और अब मेरे यहाँ पे है।